हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल खाद्यान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और आपको बताने वाले हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शन दे दी कि मेटल आयंस प्लस एन इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू ए मेटल सॉलिड। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, सबसे पहले E इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन एफ लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब इस केस में हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए ई सेल, दिस इज ए ई नोट सेल, आर हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू बेसिकली क्या होती है 8.314, टी हमारे पास टेम्परेचर जिसकी वैल्यू 298 केल्विन होती है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, एफ हमारे पास रहेगा यहाँ पर दिस इज ए फैराडे कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या रहेगा फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। अब ये हमारे पास यहाँ पर यदि बात करें एन, एन क्या होता है दिस इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस फॉर्मूले के बेस पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वर्कडन इन ए सेल, तो इसको हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं डेल्टा आर जी नोट या फिर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा माइनस एन एफ ई नोट सेल, एन हमारे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर दिस इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, एफ हमारे पास यहाँ पर फैराडे कॉन्स्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं फैराडे कॉन्स्टेंट, और जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर राइट डाउन कर दी आपके लिए। और ई नोट सेल, ई नोट सेल कैसे निकालना है आपने, दिस इज ए ई नोट सेल निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहले ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, हमारे पास क्या होगा कैथोड माइनस क्या करोगे ई एनोड। अब जो कैथोड होता है बेसिकली इसमें क्या होती है हमारे पास रिडक्शन, तो यहां पर ये रिडक्शन माइनस क्या करोगे बेसिकली ऑक्सीडेशन, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहने वाला है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, तो हमारे पास इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन एफ, और ये हमारे पास लो केसी, केसी हमारे पास क्या रहने वाला है यहां पर दिस इज ए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ये क्या रहेगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और इसकी जो हमने वैल्यू कई बार एग्जाम्स में निकाली आ जाती है। तो आर हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 टी टेम्परेचर है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 298 केल्विन, एफ फैराडे कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। यदि आपने ई नोट सेल निकाला तो कैसे निकालोगे, ई नोट हमारे पास ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दोगे बेसिकली, या फिर हमारे पास कैथोड पे क्या होता है बेसिकली एक ट्रिक्स आपको बताता हूं रेड कैट, ये हमारे पास एक ट्रिक है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए एक होती है हमारे पास एन ऑक्स, तो ये दोनों ट्रिक्स है हमारे पास। अब रेड कैट का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन अक्कर कहां पर होता है कैथोड पे, रिडक्शन ये हमारे पास है रिडक्शन अकर्स एट कैथोड की, जो हमारे पास है कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, एनोक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा बेसिकली बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ट्रिक्स आपने लर्न कर लेनी है, आज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना है यहां पर ई नोट सेल की वैल्यू यदि आपने जीरो पुट कर दी तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई सेल की वैल्यू जीरो पुट करने से क्या बन गया ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन एफ लो के सी। अब आपने इनकी सारे की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहां से बन के आएगा ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय एन लो के सी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A, इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज ए रो, ये हमारे पास है रो, रो का मतलब क्या होता है रेजिस्टिविटी। अब यहां पर मैं लिख देता हूं रो मीन्स क्या होता है बच्चों दिस इज ए रेजिस्टिविटी, ये हमारे पास है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब रेजिस्टिविटी R क्या है रेजिस्टेंस, इसमें भी न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। अब यदि इसके एसआई यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है हमारे पास ओम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा फिफ्थ फॉर्मूला रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी सेम एज इट इज, एक उठा के इधर ले आओ तो आर ए डिवाइड बाय एल, तो ये हमारे पास बनेगा रेजिस्टिविटी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी हमारे पास रेजिस्टिविटी की वो क्या रहेगी ओम मीटर,
नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से भी डिनोट करते हैं और इसको सी से भी डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ, किसके रेसिप्रोकल होता है ये, रेजिस्टेंस के। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसके रेसिप्रोकल है तो ओम इनवर्स होगी, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं मोहो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइमन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ, किसकी एसआई यूनिट रहेगी हमारे पास साइमन कंडक्टेंस की। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास सेवन फॉर्मूला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, कापा। कापा क्या होता है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टिविटी। ये रेसिप्रोकल किसकी होगी, रेजिस्टिविटी की। अब देखिए इस केस में रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है कि कापा इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर ए, यहां पर करेंगे हम आर ए डिवाइड बाय एल, तो एल ऊपर चला जाएगा तो एल डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, आर ए बन जाएगा। तो ये हमारे पास है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है एट फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को किसे डिनोट करती है, जी स्टार से। तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, एल डिवाइड बाय आर, एल हमारे पास लेंथ, आर क्या रहेगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल एम से, या फिर किससे डिनोट करते हैं इसको, बेसिकली लैम्बडा एम से, दोनों से डिनोट करते हैं इसको। तो ये हमारे पास है कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय सी, सी हमारे पास कंसंट्रेशन, कापा हमारे पास क्या रहेगी कंडक्टिविटी। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल एम डिवाइड बाय डेल एम इनफाइनिट। ये हमारे पास क्या, दिस इज ए, अभी हमने जस्ट डिनोट किया था आपको मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। किसके लिए, ये एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए, याद रखना आपने, इनफाइनाइट डिल्यूशंस के लिए रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, यदि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालना आ जाए तो उसका फॉर्मूला मैं यहां पर राइट डाउन कर रहा हूं, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये होता है हमारे पास किसके लिए, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के लिए, याद रखना। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस ये रहेगा, सेकंड प्रोसेस ये रहेगा, और थर्ड प्रोसेस हमारे पास डिग्री ऑफ, ये किसके लिए है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। ये किसके लिए रहेगा हमारे पास, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के लिए। तो के ए इज इक्वल टू सी सी हमारे पास कंसंट्रेशन, अल्फा क्या रहेगा हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कोलरस लॉ के लिए, तो ये हमारे पास है, दिस इज ए डेल एम हमारे पास, इसको हम लैम्बडा से भी डिनोट कर देते हैं, इनफाइनाइट के लिए निकालते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या बन गया, लैम्बडा इनफाइनाइट कैटायन के लिए रहेगा, दिस इज ए कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस फॉर ए एनायन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है इसके ऊपर भी कई बार। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास फैराडे कॉन्स्टेंट। अब फैराडे बेसिकली फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ, तो W इज इक्वल टू जेड आई टी, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है किसका, फैराडे का। अब फैराडे बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के। तो क्या की वैल्यू हमारे पास बेसिकली कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू क्या अपॉन टी, तो क्या इज इक्वल टू क्या बनेगा, I इंटू टी। तो यहां पुट कर दीजिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगाते हैं, जेड। जेड क्या रहने वाला है इसके अंदर, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद Z की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दिस इज ए, ये क्या रहेगा हमारे पास, A डिवाइड बाय V इनटू F। हमारे पास V वेलोसिटी रहने वाली है, A हमारे पास एटॉमिक वेट, और F हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, फैराडे कांस्टेंट। उसके बाद फैराडे सेकंड लॉ हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, बेसिकली बच्चों W1 डिवाइड बाय W2, वेट ऑफ ए सब्सटेंस 1 डिवाइड बाय द वेट ऑफ ए सब्सटेंस 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए फर्स्ट वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सेकंड वन। तो ये हमारे पास रहेगा फैराडे सेकंड लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है डीबी हकल ऑन सागर इक्वेशन। अब डीबी हकल ऑन सागर इक्वेशन किसके लिए होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हमारे पास दिस इज ए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। ए हमारे पास कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन, ये हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल रिप्रेजेंटेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, सेल रिप्रेजेंटेशन डेनियल सेल के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जिंक, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन जिंक पॉजिटिव आयंस, उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन कॉपर टू पॉजिटिव, उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन फिर कॉपर। अब यहां पर जो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिस इज एनोड। एनोड के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एनोड आयंस, ये हमारे पास क्या बन गए, एनोड आयंस। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन दिस इज ए कैथोड आयंस, ये हमारे पास क्या बनेंगे, कैथोड आयंस।
उसके बाद ये जो डबल वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए सोल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, सोल्ट ब्रिज। उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन फिर क्या लिखोगे, दिस इज ए कैथोड। तो ये हमारे पास किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, दिस इज ए ई नोड सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस क्या करोगे आप, ई एनोड। अब जो कैथोड होती है, हमें अभी जस्ट ट्रिक बताई आपको क्या होती है, दिस इज ए रिडक्शन माइनस क्या करना है आपने, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। या फिर इसको आप लिख सकते हो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग ई नोड सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने आपको कराए जिसके बेस पे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूला नंबर 9 और फॉर्मूला नंबर 10, और उसके साथ साथ हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने यहां पर कराया, दिस इज ए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का। तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। उसके साथ यदि बात करें फॉर्मूला नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 2 एंड 3, तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसके बेस पे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।